चीन चालबाज है तो भारत भी कम नहीं, इसीलिए चीन की चालबाजियों को चेक करने के लिए भारत ने बाज पाला है जिसका नाम अर्जुन दिया गया है, जो सीमा पर होने वाली सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखता है। ये नजर कितनी पैनी होगी और पैनी नजर पर भारतीय जवान कैसे नजर रखेंगे वो सब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अपने बाज अर्जुन के बारे में तो जान लीजिए, फिर बताएंगे बाज चीन कुत्ते और कैमरे का भारतीय सेना ने वो कौन सा डेडली कॉम्बिनेशन बनाया है जो सबको हैरान कर देगा। बाज एक शिकारी पक्षी है। बाज को दुनिया का सबसे ताकतवर पक्षी माना जाता है, जो कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी नजर इतनी तेज होती है कि आसमान में उड़ान भरते वक्त भी करीब 3.2 किलोमीटर की दूरी से एक छोटे से खरगोश को देख सकता है। माना जाता है इसकी मजबूत मांसपेशियां, लंबे पंख और स्ट्रीमलाइन आकार इसे तेज उड़ान भरने में मदद करता है, और शायद इसीलिए भारतीय सेना ने इसे अपना प्रहरीर बनाया है। खास बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना के ट्रेन बाज अर्जुन के सर पर कैमरा और शरीर में GPS भी लगाया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चीनी सीमा की निगरानी के लिए तैनात किए जाने वाले इस बाज के सर पर एक चीनी कंपनी का ही कैमरा लगाया गया है। ये कैमरा साइज में काफी छोटा है, इसका भार भी काफी कम है, इसके कारण इसे बाज के शरीर पर आसानी से सेट किया गया है। ये हाई रेजोल्यूशन तस्वीर और वीडियो कैप्चर कर सिग्नल के जरिए आसमान से जमीन पर तस्वीरें भेजता है। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि अर्जुन को मेरठ के रिमाउंट वेटनरी कॉप्स ने ट्रेनिंग दी है। ये बाज दुश्मन ड्रोन की निगरानी के अलावा अपने सर में लगे कैमरे के जरिए दुश्मन देशों के आसमान और जमीन की हर गतिविधियों की निगरानी करने में भी सक्षम है। उड़ान भरते हुए अर्जुन की सही लोकेशन पता चले ये काम उसके शरीर पर लगे हुए GPS से होगा। अब आपको बताते हैं सेना का ये बाज सेना के डॉग्स के साथ मिलकर कैसे कोऑर्डिनेट अटैक करेंगे। दरअसल युद्ध अभ्यास के दौरान देखा गया कि बाज अर्जुन भारतीय सेना के जवान के हाथ पर बैठा हुआ था, उसके पास ही एक ट्रेन डॉग बैठा हुआ था। तभी एक ड्रोन को आसमान में उड़ाया जाता है। ड्रोन की आवाज सुनते ही ट्रेन डॉग कमांडो अर्जुन की तरफ देखकर भौंकना शुरू कर देता है। फिर पलक झपकते ही अर्जुन उड़ान भरता है और दुश्मन के ड्रोन को अपने पंजों से मारकर नीचे गिरा देता है। भारतीय सेना का कहना है कि अर्जुन और ट्रेन डॉग अब मिलकर बॉर्डर से सटे इलाकों की निगरानी करेंगे, जिससे देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके। तो आपको कैसी लगी ये खबर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।